नमस्कार दोस्तों, मैं अमन बंसल आप सभी का स्पोर्ट्स मिर्ची के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वीवो आईपीएल 2017 के 17वें मैच की, जिसमें कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राइजिंग पुणे सुपर जायंट की टीमें जो है आमने सामने होंगी। बैंगलोर का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम जो है इस मैच को होस्ट करेगा और इस मैच का लाइव प्रसारण आप रात को 8 बजे से सोनी मैक्स और सोनी सिक्स पर देख सकते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट मैच होने वाला है इन दोनों टीमों के बीच, क्योंकि अभी तक खेले गए 4 मैचों में ये दोनों टीम्स जो हैं वो एक एक मैच ही जीत पाई हैं और 3-3 मैचों में जो है इन दोनों को ही हार का सामना करना पड़ा है। तो दोनों ही टीम्स जो हैं वो कोशिश करेंगे कि इस मैच को जीते और टूर्नामेंट में जो है अपनी जो उम्मीदें हैं वो बरकरार रखें, ताकि प्लेऑफ्स में खेलने के इनको कुछ चांसेस हो सके। हालांकि अगर हम देखें तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जो टीम है, जो होम टीम है, कप्तान विराट कोहली की जो रिटर्न हुई है, जो वापसी हुई है, उससे इनकी उम्मीदों को काफ़ी जो है वो जोश मिला है। क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले मैच में विराट कोहली ने कच्ची पारी खेली थी और अर्धशतक लगाया था, जहां पर कि उनकी पूरी टीम जो है वो स्ट्रगल की थी और मात्र 142 रन बनाए थे मुंबई इंडियंस के खिलाफ। हालांकि अगर आप देखें तो आरसीबी को जो है वो मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ जरूर जीतना चाहिए था, क्योंकि 7 रन पर 4 विकेट जो है मुंबई ने खो दिए थे। सैमुअल बद्री ने जो उस मैच में हैट्रिक ली थी वो शानदार थी और टीम को वो जीतना चाहिए था। हालांकि अब जो है वो हो नहीं सका, मैच जीत नहीं सके आरसीबी की टीम, लेकिन अब टीम कोशिश करेगी कि अच्छा स्कोर खड़ा करे और फिर इस मैच को जीते, क्योंकि राइजिंग पुणे सुपर जायंट की टीम जो है वो अभी बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। गिरी हुई इन द सेंस ये है कि वो मतलब परफॉर्मेंस उनका ना बैटिंग में हो रहा है ना बॉलिंग में हो रहा है। अगर आप देखें तो बैटिंग में उनके पास डेप्थ नहीं है, बॉलिंग में देखें तो आप ऐसा लगता है कि 1-2 गेंदबाज शॉर्ट है और जो गेंदबाज खेल रहे हैं वो भी अच्छी फॉर्म में नहीं है। तो राइजिंग पुणे सुपर जायंट के लिए काफ़ी चीज़ें हैं जो उन्हें वर्कआउट करनी पड़ेगी अगर उन्हें इस टूर्नामेंट में जो है अलाइव रहना है और अच्छा प्रदर्शन करना है। अब अगर हम बात करें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम जो है वो डेफिनेटली विराट कोहली एबी डिविलियर्स पर डिपेंड करेगी ही करेगी। साथ ही साथ ओपनर जो है वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल, उनको जो है वो अपनी पारी खेलनी पड़ेगी, उनको अच्छा खेलना पड़ेगा। अगर आप देखें पिछले मैच में भी वो 8-9 ओवर तक बल्लेबाजी करके गए थे और कुछ बहुत अच्छे शॉट नहीं खेले थे उन्होंने और उनका स्ट्राइक रेट भी कुछ खास नहीं था। तो क्रिस गेल से हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी पारी खेलेंगे। हालांकि जो ये एम चिन्नास्वामी की विकेट है, जो पिच है, वो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर हाई स्कोरिंग गेम होगा, क्योंकि यहाँ पर बैट्समैन के लिए मदद कम ही दिख रही है। बॉलर्स जो स्पिन बॉलर्स हैं स्पेशली, उनको काफ़ी अच्छी मदद मिल रही है इस पिच पे। तो एक बार फिर से उम्मीद है कि विराट कोहली जो है वो 3 स्पिनर्स के साथ उतरेंगे ही और देखना होगा कि कैसा परफॉर्मेंस रहता है। हालांकि आरसीबी के लिए जो एक मेन प्रॉब्लम कर सकता है बॉलर राइजिंग पुणे सुपर जायंट का, वो होगा इमरान ताहिर। इमरान ताहिर वैसे ही अच्छी फॉर्म में है और जो यहाँ की पिच है चिन्नास्वामी स्टेडियम की, वो डेफिनेटली ताहिर को जो है थोड़ा और ज़्यादा सपोर्ट करेगी। तो टीम को केयरफुली खेलना होगा। हालांकि साउथ अफ्रीका के ही एबी डिविलियर्स जो हैं वो बैंगलोर की टीम में है, तो वो जानते हैं कि ताहिर के साथ कैसे डील करना है, क्योंकि दोनों ही प्लेयर जो है प्रोटियाज टीम के लिए खेलते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बैटल होगी, एक देखना होगा कि कैसा रहता है ये मैच। हालांकि उम्मीद तो नहीं है कि ये हाई स्कोरिंग मैच होगा, फिर भी देखना होगा अगर पिच क्यूरेटर्स हैं जो कुछ चमत्कार कर दे और इस पिच को जो है बैटिंग पैराडाइज बना दें और थोड़ा सा अच्छा हमारे को स्कोर देखने का मिले 180-190 का। तो राइजिंग पुणे सुपर जायंट और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच 17वां मैच जो है रात को 8 बजे से होगा। क्या लगता है दोस्तों आपको, कौन जीतेगा इस मैच को, विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर या फिर स्टीव स्मिथ की टीम राइजिंग पुणे सुपर जायंट? हमारे अकॉर्डिंग रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर डेफिनेटली फेवरेट है इस मैच को जीतने के और 60% चांसेस है कि आरसीबी इस मैच को जीतेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन जीतेगा ये मैच, आरसीबी या आरपीएस? शेयर कीजिए अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ट्विटर फेसबुक पर शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। और एक चीज़ और करना है इसमें कि आप यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।